डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएनआर ट्रैवल भारत में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए ट्रैवल वीडियो को लेकर। आज हम आपको लेके चलेंगे नॉर्थ सिक्किम, और नॉर्थ सिक्किम के ऐसी ऑर्बिट डेस्टिनेशन जिसका नाम है जोंगू। जोंगू आने के लिए आपको भारत के किसी भी जगह से एनजेपी स्टेशन आना पड़ेगा, जिसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे जंक्शन। और जो लोग बाई एयर आना चाहेंगे उनको बागडोगरा एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। एनजीपी स्टेशन और बागडोगरा एयरपोर्ट दोनों ही जगह से आपको रिजर्व कार मिल जाता है मांगन जाने के लिए। रिजर्व कार में आप मांगन तक जाएंगे तो ड्राइवर चार्ज करता है 7 से 7,500। लेकिन आप अगर एनजीपी स्टेशन और बागडोगरा स्टेशन से किसी भी तरह टोटो या रिक्शा किसी भी साधन में एसएनटी बस स्टैंड तक आएंगे तो वहां से आपको शेयर कार मिल जाता है। शेयर कार में आपको सिंगथाम तक आना पड़ेगा, और सिंगथाम तक का चार्ज लगता है 300 रुपये, ये गवर्नमेंट का रेट है। और सिंगथाम से थोड़ा सा आगे जाके आपको फिर से शेयर कार मिल जाता है, उसमें आपको मांगन तक का 180 रुपये चार्ज करता है, वो भी गवर्नमेंट का रेट है। इसके अलावा आप गैंगटॉक तक जा सकते हो, गैंगटॉक से भी आपको मांगन का गाड़ी मिल जाता है। एनजीपी से मांगन तक का सफ़र बहुत मज़ेदार होता है, इसलिए कि तिस्ता रिवर आपके साथ साथ चलता है और इसका व्यू बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। लगभग हम सिंगथाम शहर तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग एसएनटी वेस्टर्न से शेयर कार बुक करते हो तो वही शेयर कार आपको पहले सिंगथाम तक ही लेके आएंगे। और ये देखिए बाएं तरफ तिस्ता रिवर का एक मन लुभाती हुई व्यू, आसमान बादलों से घिरा हुआ और नीचे नदी का इस तरह का व्यू जो आपका सफ़र को चार चांद लगा देता है। हम लोग मांगन पहुंच चुके हैं, और मांगन एक ऐसी जगह है जहां से आप गुरुदोम्बा लेक, लाचुंग, लाचेन, यंगथाम, कटाव, जीरो पॉइंट और यंगथाम सभी जगहों पे जा सकते हो। और मांगन में अगर आप एक होम स्टे लेते हो, वहीं से आपको इस सही सारी जगह का, मतलब ये नॉर्थ सिक्किम के सभी जगहों का परमिट आपको मिल जाता है होम स्टे का ओनर के द्वारा। हम लोगों को बहुत भूख लगा है, इसलिए जो सामने रेस्टोरेंट हमको मांगन में मिला तो वहीं पे हम थोड़ा नाश्ता करने की सोचे और खाना ऑर्डर भी किए हैं। मिक्स चाउमिन, मोमो, ये सब ऑर्डर किए हैं। और इस दौरान हमने होम स्टे का जो ओनर है कर्मा जी, हमने जो होम स्टे बुक किया है उसका नाम है रूमलियंग होम स्टे। तो ये रूमलियंग होम स्टे का ओनर जो है कर्मा जी, उनको हमने फ़ोन कर दिए हैं, और कर्मा जी ने बोला हम गाड़ी लेके आ रहे हैं जोंगू स्टैंड तक। तो ये जोंगू स्टैंड जाने के लिए आपको पहले मांगन टैक्सी स्टैंड जाना पड़ेगा, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे पैदल जाने के बाद आपको जोंगू स्टैंड मिल जाता है। लेकिन एक मज़ेदार बात है कि जोंगू स्टैंड जो है वो 4th फ्लोर का है, तो आपको सबसे ग्राउंड फ्लोर जाना पड़ेगा नीचे जोंगू स्टैंड के लिए, क्योंकि हमारा जो गाड़ी है वही नीचे जोंगू स्टैंड तक आएंगे, वहीं से हम जोंगू तक जाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि यूमलियंग होमस्टे का जो ओनर है कर्मा जी, हमको फ़ोन करके बोला है कि वो खुद आएंगे हमें लेने के लिए। ये देखिए स्टैंड के बाहर जो व्यू है, हमें लग रहा है वो दूर जो पहाड़ दिख रहा है वही जोंगू होगा शायद। ये कर्मा जी के साथ हम फिर से रवाना हो चुके हैं जोंगू के लिए। कर्मा जी से हम पहले ही बात कर चुके थे कि यहाँ से जोंगू तक का जो गाड़ी का चार्ज होगा वो 2,500 का होगा। ये देखिए चिकन शॉप, हमारा जो भी चिकन बनेगा यहीं से लेना है हमें। तो कर्मा जी थोड़ा गाड़ी रुकवा के चिकन खरीद रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं कहाँ से चिकन खरीदते हैं ये लोग। और अगर आप लोग ड्रिंक के शौकीन हो तो यही जगह है जहाँ से आप ड्रिंक्स के सामान खरीद सकते हो। आगे आपको कोई भी ड्रिंक का सामान आपको नहीं मिलेगा,
ये हम आ चुके हैं जहाँ से हमको जम्बू का परमिट दिखाना है, जो कि कर्मा जी पहले से हमारे लिए करवा के रखा था। हमने व्हाट्सएप में कर्मा जी को हमारा फ़ोटो, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड सब भेजे हुए थे, तो पहले से ही कर्मा जी हमारा परमिट कर चुके थे। जोंगू परमिट के लिए पर पर्सन 200 रुपए का चार्ज लगता है। परमिट दिखाने के बाद हम ब्रिज क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आगे तक। दाहिनी तरफ एक नदी है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन कर्मा जी से मालूम किए है यही जगह जो है जो तीस्ता रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से तीस्ता रिवर शुरू होता है और आगे जो नदी है उसका नाम है रुमलेंग नदी। यह है रुमलेंग नदी, अपने ही ख्यालों में बहती हुई जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन इस नदी का तेज बहाव आपको अपने साथ बहा ले जा सकती है। ऊंची ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ यह नदी मानो लगता है कोई ऊपर से आके बहुत बारीकी से अपने हाथों से इसको रचा है, और जिसको देख के आप मोहित हो सकते हो और घंटों बैठ के इस जगह को आप फील कर सकते हो। कैसे सुबह से रात गुजर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जोंगू जाने के लिए यही एक टेम्पोररी ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर से आपको जोंगू तक जाना होगा। 2016 में एक एवलेंज के बाद यहाँ का जो रूट है वो थोड़ा बदल गया है। अभी सुनने को आया है कि नया ब्रिज बन रहा है, लेकिन वो कब तक बनेगा ये किसी को मालूम नहीं। तब तक पर्यटकों को और यहाँ के गांव के लोगों को यही ब्रिज से आना जाना करना पड़ेगा। रुमलेंग नदी के ऊपर एक लंबा सा हैंगिंग ब्रिज आपको दिख जाएगा जोंगू जाने के समय, लेकिन ये देखने के बाद इस ब्रिज में आप ना चढ़े ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग भी यहाँ पे चढ़ने के लिए ऊपर की तरफ आए और इसमें चढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये हैंगिंग ब्रिज कितना सुंदर और कितना शानदार है। अभी दोपहर का 3 बज रहे हैं, कर्मा जी नीचे से बुला रहे हैं कि जल्दी जाने के लिए, क्योंकि खाना खाना है, सबको भूख भी लगा है बहुत ज़्यादा, तो हम इसलिए ये ब्रिज आज पूरा तो नहीं गए, लेकिन कल हम इस ब्रिज में आएंगे, क्योंकि उस पार एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे हमको नहाना भी है। सुनने को आया है कि उस हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद हमारे बदन में जितने भी दर्द है और जो भी रोग है अंदर सब ठीक हो जाता है।
यहाँ पे जितने भी दो चार होमस्टे हैं उनमें से युमलियांग होमस्टे एक है जो हमने गूगल से सर्च करके ढूंढे थे, और कर्मा जी जो इनके ओनर हैं उनसे फ़ोन में बात करके हम पर हेड 800 रुपये के चार्ज में यहाँ पे आए हैं। और इस 800 रुपये में आपको खाना रहना सब कुछ पैकेज में आ जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम को पकोड़े के साथ चाय और रात को डिनर, सब इस पैकेज में आता है। कर्मा जी हमको बोला कि हम होमस्टे तक लगभग पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा सा जाने के बाद, हाँ ये देखिए हम पहुंच चुके हैं रुमलियांग होमस्टे। और आने के बाद एक यहाँ पे एक डॉगी हमको मिल गया जिसका नाम है पैंथर, जो कर्मा जी का डॉगी है, और बहुत ही मज़ेदार डॉगी है जो हमसे बहुत घुल मिल गए हैं आने के साथ साथ ही। अभी हमको थोड़ा चेक इन करना है, उसके बाद खाना खाना है, बहुत भूख लगे। और नज़ारा देखिए होमस्टे का, ये कर्मा जी का किचन है, और किचन में कर्मा जी का भाई बाइसुंग जो खाना पका रहे थे हमारे लिए, अभी लगभग खाना तैयार हो चुका है, जो अभी खाना परोसने बाकी है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और बारिश के साथ दोपहर का लंच बहुत ही अच्छा, और सामने पहाड़ का नज़ारा, एक अलग ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। आप भी आइए यहाँ पे और ये मज़ा आप लोग भी ले सकते हैं। इस तरह का एक ऑब्वियस डेस्टिनेशन शायद ही आपको कहीं पे मिले। कर्मा जी के भाई हमारे लिए आलू भाजी, अंडा काढ़ी, चावल और रोटी बनाए हैं, साथ में दाल भी दिए हुए हैं, और बारिश के साथ दोपहर का लंच और भी मज़ेदार बन चुका है हमारे लिए। सामने गार्डन और पहाड़ का नज़ारा, एक अलग ही मज़ा हमको दे रहा है। और ये बारिश में पैंथर पूरी तरह भीग गए हैं, और वो देखिए दूर मेरा बेटा बारिश में इधर उधर घूम रहा है और उसका इस प्रकृति का मज़ा ले रहा है। ज़ुंगू का एक खासियत है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और आपको गांव इस तरह का मिलेगा कि एक घर से दूसरे घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से ये शांत प्रकृति के साथ आपको जुड़ने का एक अवसर मिल जाता है। एक अच्छी बात ये है कि नेटवर्क का बहुत इशू है यहाँ पे, लेकिन जियो नेटवर्क अगर आपके पास है तो आपको नेटवर्क मिल जाता है, लेकिन इसके लिए भी आपको होमस्टे के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठ के नेटवर्क का इंतज़ार करना पड़ता है। एयरटेल का नेटवर्क भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन वोडाफोन का यहाँ पे एकदम नेटवर्क नहीं आता। ये बात आपको दिमाग में रखना है और फिर यहाँ पे आना है। आज पहला दिन है और होमस्टे का आसपास घूम के आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना दूर मैं चल सकता हूँ। डिनर के लिए हम कर्मा जी के किचन पे आ चुके हैं,
कर्मा जी और कर्मा जी के भाई दोनों मिलके हमारे लिए चिकन, दाल, सब्जी और राइस पकाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीतल के बर्तन में हमको खाना परोसे है। ये एक नई चीज़ देखने को मिला हमें यहाँ आके। कर्मा जी ने हमारे लिए बाहर कैंप फायर का तैयारी करके रखे है, लेकिन बारिश की वजह से शायद हम बाहर हमारा कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे। जो भी करना है घर के अंदर करना है। चलिए उसका भी वीडियो आपको दिखाते हैं। जाबू जा